आप आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने इस दौरे के बारे में जानकारी दीजिए कि किस तरह का आपका ये आने वाले दिनों में ये दौरा रहेगा और क्या क्या आपके प्रोग्राम्स रहेंगे। कि हम धर्मशाला से आज सुबह यहाँ तक जम्मू पहुँचा हूँ। हमारा निवर्स सरकार सागर का जो पार्लियामेंट है उनके तरफ से हर साल हम एक अभियान चला रहा है कि तिब्बत के विषय में और जो तिब्बत के बारे में जो तिब्बत में जो हमारा भाई बहन को अच्छे चर्चा हो रहा है उसी सिलसिले में हम अभियान चलाने के लिए हर हर स्टेट में हम जाता है। तो हमारा जो मेरे साथ जो है तेम्बाला जी है, ईशी डोमला जी है, हम तीनों का ड्यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगा है और हिमाचल में लगा है। तो इसलिए हम यहाँ 4 दिन के लिए यहाँ का जम्मू में जो MLA है, MP है, जो एक्स मिनिस्टर है, गवर्नर है, जैसे वो जो पॉलिटिकली लीडर जितने हैं उनसे मिलकर तिब्बत के विषय में समर्थन लेने के लिए और उनके अपील करने के लिए आया है। सर, इस तरह के दौरे देश के हर एक कोने में, हर एक स्टेट में किए जा रहे हैं अभी? जी, हमारा जो 45 मेंबर्स है जब पार्लियामेंट में, तो उनको सभी एक 11 ग्रुप में बांटा गया है। तो हर स्टेट में गया है। सर, अभी आप फ़िलहाल जम्मू में हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे में गए, उसके बाद लद्दाख जाएंगे। ये दोनों यूटी जो हैं ये बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक गढ़ माना गया है लद्दाख को भी, तो किस तरह से देखते हैं यहाँ का आपको जो सपोर्ट है, जो तिब्बतन जो सपोर्ट आती है, किस तरह से आपको सपोर्ट आप यहाँ की जनता से देखते हैं सर? जी, हमारा तो वो तिब्बत के विषय में भारत के गवर्नमेंट और भारत के लोगों ने पहचान है। वो साठ सत्तर साल हम निवासत में हवा में एग्जाम में होते हुए उसको बचाव रखा पड़ा है। तो उसी के सिलसिले में, उसी की वजह से तिब्बत के इश्यू को एक अभी तक भी जीवित रहा है, उसको एक इंटरनेशनल इशू बना दिया है। तो हमारा जो ये किसी लफा कि भारत के सहयोग से, भारत के खास करके जो जम्मू कश्मीर है, जो लद्दाख है, जैसा आपने बोला है, इन हमारा एक पुराना बुद्धिज्म के साथ संपर्क है। उसी की वजह से हमें हर बार, पिछले बार हम 2018 में आया था, उस टाइम पर भी बहुत सहयोग मिला था, समर्थन दिया था। इसी की वजह से फिर भी हम हर साल आते रहते हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि आगे हमारा तिब्बत की जो समस्या है उसका हाल भारत के सहयोग से, भारत गवर्नमेंट और भारत के लोगों के सहयोग से हमारा मसला को हल होगी, ये हमारा विश्वास है। सर, आपको यहाँ पर हम देखा गया कि एक मंच है भारत तिब्बत सहयोग मंच, उसका भी आपको सहयोग मिला हुआ है, तो वो तिब्बत की आज़ादी की बात करता है, वहीं पे कैलाश मानसरोवर की मुक्ति की भी बात करता है, जो कि जब भी यात्रा होती है उसको लेके कंट्रोवर्सीज होती हैं, उस मुद्दे को किस तरह देखते हैं कि उस कंट्रोवर्सी को किस तरह से आपकी तरफ से उजागर किया जाता है? कि उनका जो भारत का जो जो अभियान चला रहा है वो बहुत अच्छे आ रहा है, क्योंकि तिब्बत जब से तिब्बत को चीन ने कब्जा किया था, तब से एक भारत को सुरक्षा में इतना खतरा पड़ गया जितना कभी नहीं पड़ा था। क्योंकि वैसे सारा भारत को ये जानकारी होना चाहिए कि तिब्बत चीन और भारत का पास एक इंच का सीमा नहीं पड़ता था। ये तो जब से आप चीन का साथ सीमा पड़ा, चीन ने जब हमारा देश को जबरदस्ती कब्जा किया, तब से आपका साथ भारत के साथ चीन का सीमा पड़ा है, उसका पहला कोई एक इंच भी सीमा नहीं पड़ता था। तो इसलिए जो अभी भारत तिब्बत सहयोग मंच जो है, जो भारत देश जो चला रहा है, जो अभियान चला रहा है, चीन के खिलाफ चला रहा है, जो स्टैंड ले रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। हमें चाहते हैं और भी भारत की गवर्नमेंट और भारत लोगों इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रांगली स्टैंड लेने के लिए हम निवेदन करते हैं। सर, आखिर में क्या मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को इस वीडियो के जरिए? हाँ, हमारा यही प्रार्थना है, जो पॉलिटिकल लीडर हो या जो यहाँ का स्थानीय के लोगों का, जो सभी को, कि अभी तक भी आप लोगों का हमें सहयोग बहुत मिला है, उसी की वजह से हमारा देश का, हमारा समस्या का जो इशू है वो जीवित रहा है। आगे भी हमें यही विश्वास है भारत के गवर्नमेंट की तरफ से और भारत लोगों के सहयोग से हमारा हाल होंगे। तो इसलिए हमें आगे भी आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।